ये देखिए, ये अब भाई साहब मुस्कुराएंगे। तो मैं लूंगा, मैं 5% एक हफ्ते की कॉलेज राइट चल रही है। ये देखिए कैसे हंस रहे हैं। तेरे को दे रहा गलत बात कर रहा है। शहर से बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि यार आपने ये चैनल स्टार्ट किया था डेली व्लॉग के नाम से, लेकिन आप डेली व्लॉग बनाते ही नहीं हो। अभी बहुत कम आप बना रहे हो व्लॉग। तो यार मसला ये है ना, दूसरे चैनल में काम वगैरह कर रहा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी था। उसकी सारी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है और अभी नेक्स्ट सॉन्ग वगैरह की भी शूटिंग वगैरह करनी है। काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं इस चैनल का व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था। इंशाल्लाह आज से डेली व्लॉग बनाऊंगा, बस आज से कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा आप लोगों को, डेली व्लॉग आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक शेवी साइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शेवी साइज व्लॉग इंजॉय। तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप लोगों को ना अभी काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है तो मैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हुए चलता हूँ। मामा से अपना नाश्ता लेता हूँ, नाश्ता करने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को। नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में है पराठा चिकन के सालन और साथ चाय। अब मैं करूँ जल्दी से नाश्ता क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। ओके नाश्ता वगैरह मैंने अपना फिनिश कर लिया है और आप लोगों को लैपटॉप ओपन करके एक चीज बताना था। एक चीज नहीं, काफी सारी चीजें बतानी थी नहीं बट मुझे अभी किसी की कॉल आई है, मुझे उधर जाना है अभी काम से। तो मैंने कहा चलो अपना काम सारा फारिग कर आता हूँ, फिर फुर्सत से आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा और थोड़ा आप लोगों को एंजॉय भी करवाऊंगा। फिलहाल मैं अभी उधर जा रहा हूँ, उधर से अपना काम सारा फिनिश वगैरह करके आऊँगा, फिर आप लोगों को लैपटॉप ओपन करके बताऊँगा। और सुबह सुबह धूप ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। कराची में 2-3 दिन बारिश हुई है लेकिन आज ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं क्यों। तो चलते हैं जल्दी से, काम फरी करके आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। फाइनली भाई काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है। मैं लोग भी बोलते होंगे कि पता नहीं कौन सा काम करने जाता है, तो यार मोबाइल लेकर नहीं जाता। आप लोगों को पता ना कि ये अपना कराची है, मोबाइल लेकर नहीं घूम सकते। तो अभी यहाँ जल्दी से फ्रेश होता हूँ, उसके बाद लैपटॉप निकालता हूँ। फ्रेश हुआ अभी मैं और मैंने चेक किया, भाई नेट नहीं चल रहा। पता नहीं नेट में क्या मसला आ गया और मैं नेट वाले को कॉल कर रहा हूँ, उसका नंबर भी बिजी जा रहा है। बहुत ज़्यादा ही मैं थक गया हूँ यार आज। बाहर ना धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, गर्मी भी थी, फिर काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया मुझे। तो अभी लैपटॉप तो निकाल नहीं सकता क्योंकि नेट नहीं चल रहा। आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बतानी थी भाई अपने लैपटॉप से, बट आप लोग थोड़ा देर वेट करें। अभी मैंने नेट वाले को कॉल किया है तो नेट वाले जैसे ही आते हैं तो फिर अपना लैपटॉप निकालते हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भाई नेट वाले आए, उन्होंने नेट वगैरह सेट किया और अब मैं अपना लैपटॉप लेकर आ गया हूँ। मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूँ, आप लोग काफ़ी दिन से हमारी मूवी का BTS वगैरह देख रहे थे तो भाई फाइनली कल अपलोड हो चुकी है भाई हमारी मूवी, बहुत ही मज़ेदार। अभी मैं इस पर रिएक्शन दूंगा कुछ और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें उस मूवी के बारे में बतानी है। तो जल्दी से करते हैं अपना लैपटॉप ऑन, फिर आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। सिम 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 लिया भाई। लैपटॉप इतना गंदा हो रहा है, मैं उसको साफ भी नहीं करता यार, टाइम ही नहीं मिलता मुझे अपना लैपटॉप साफ करने का। तब करते हैं जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन और आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। ऑन हो चुका है, सबसे पहले तो भाई गूगल क्रोम में जाते हैं, वहाँ पे जाके यूट्यूब ऑन करता हूँ और आप लोगों को अपनी मूवी प्ले करके दिखाता हूँ। खुल जा यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। ते हैं यूट्यूब ऑन, आई क्लाउड स्टोरेज फुल हो गया भाई ये मूवी के चक्कर में। ओपन कर चुका हूँ मैं, आप लोग लिखेंगे शॉर्टकट गैलेक्सी तो ये चैनल आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसी चैनल में हमारे जितने भी मूवी और सॉन्ग वगैरह होगा वो इसी चैनल पर अपलोड होगा
अभी और आप लोगों को एक और चीज़ बताना था, अगर आप लोगों ने ऐसी देखना हो, चैनल विजिट नहीं करना हो, तो आप लोग डायरेक्ट लिखना इस पे दी लॉस्ट टाइम, हमारी मूवी का नेम है दी लॉस्ट टाइम, तो वो ओपन होकर आ जाएगा आप लोगों के सामने। ये देखें, ये ओपन होकर आ चुका है भाई, दी लॉस्ट टाइम। इसमें ना अल्हम्दुलिल्लाह से 1K+ व्यूज़ गया है यार, बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और हमारी टीम ये सब डिज़र्व करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एफर्ट दिखाया था सब लड़कों ने, बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने मेहनत किया था। इसमें आप लोग कमेंट्स तो देख लेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और मुझे अलग से भी, मुझे हम्माद को इंस्टा पर और फेसबुक में काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, और व्हाट्सअप पे तो हमारे पर्सनल होते हैं, वही लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे उन लोगों ने भी कमेंट्स पास किए, और कुछ लोगों ने ना गलती निकाली है, तो हमारे नज़र में ना वो जो लोगों ने गलती निकाली है ना, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कमेंट्स वो था। क्यों? क्योंकि हम लोग वो नहीं समझेंगे कि उन्होंने हमें बुरा भला कहा, हम लोग ये समझेंगे कि यार ये चीज़ हमारी गलती थी, ठीक है, अब नेक्स्ट मूवी में हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है कि ये चीज़ हमारी फर्स्ट मूवी में गलत हुई थी, सेकंड मूवी में गलत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं भी यही चाहता हूँ, अभी भी आप लोग जाएं देखें, और इसमें जो गलती हुई है कमेंट्स करें, या मेरे इंस्टा पर, इंस्टा उसमें लिंक दिया हुआ है, आप लोग मेरे इंस्टा पर या हम्माद के इंस्टा पर हमें मैसेज करके बोलें, किसी भी तरीके से हमें बताएं कि यार ये गलती थी, ताकि हम लोग नेक्स्ट मूवी में इस चीज़ को इम्प्रूव करें। बाकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि यार व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छा आया है, फर्स्ट मूवी थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि सेकेंड जो मूवी है वो बहुत ही अच्छे से अपलोड हो, बहुत ही अच्छा वो मूवी बनाया जाए, उसका स्क्रिप्ट लिखा जाए, और इंशाल्लाह इसका जो सॉन्ग है वो मंडे को अपलोड होगा, तीन या चार दिन बाद, तो वो आप लोग सॉन्ग जाकर देख लेना, मैं आप लोगों को इधर अपडेट्स दे दूंगा, उस चैनल के जितनी भी अपडेट्स वगैरह मैं अपने चैनल में दिया करूंगा, और अपना व्लॉग वगैरह भी बनाया करूंगा। अब चलते हैं जल्दी से मूवी की तरफ, और मैं आप लोगों को उसमें, आप लोगों को मूवी भी दिखाता हूँ, और बताता हूँ कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसमें गलत कही है। ये री भाई, ऑन कर चुका हूँ मैं, एडिटिंग तो चेक करें, एडिटिंग बिल्कुल लास्ट है, द लॉस्ट टाइम, थोड़ा सा आगे करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो वगैरह हो जाएगी, इसमें तो सारा नेम वगैरह लिखा है कि किसने क्या 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 किया, तो आगे करते हैं। यहाँ से हो गया भाई स्टार्ट, चेक करें हम्माद की टाइपिंग, एक चीज इसमें आप लोग नोट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी भाई कब से काम कर रहा है, ये देखिए ये चीज जो है ना, इसमें काफी ज्यादा लोगों ने कहा है कि इसको कोई बिहारी बिहारी का रोल दिया गया था, कि ये ऐसे बोल रहा है अबे कब से काम कर रहा है, तो ये चीज काफी लोगों ने, सबसे पहले जो हमारी मूवी में गलती थी वो भाई इसी चीज की थी, और कैमरे का जो पहले कैमरे पर नहीं आए थे वो लोग इतना फेस नहीं कर पा रहे थे कैमरे को, इस वजह से शुरू में गलती हुई थी। और इसमें आगे और देखें, ऐसा भी क्या कर रहा है, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा यार ये बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा था, तो हम लोगों ने कहा यार इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी में अच्छा होगा, और आगे दिखाता हूँ। इसको जल्दी जल्दी आगे आगे करके देखेंगे, जहाँ जहाँ गलती हुई है वहाँ मैं बताऊँगा, और आप लोग जाकर चैनल पर फुल मूवी देख लेना, अगर आप लोगों को भी कोई गलती लगे तो आप लोग कमेंट्स वगैरह कर देना। अभी मैं आप लोगों को ये शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या गलती हुई थी भाई हमारी, ठीक है, फिर मुझसे बात नहीं करना, मैं जा ये लड़की से बात कर रहा भाई, ये जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे ना, ये मेरे टेरिस पर हुआ था शूट, आप लोग तो व्लॉग में देखते रहते हैं, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बारिश स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं लाजमी ये शूट कंप्लीट करना है आज, तो हम लोगों ने वो शूट इस मौसम में किया था, मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था।
और ये जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने किया था, तो हम लोग गए थे इस रेस्टोरेंट में, वहाँ पर हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे कोई शूट वगैरह करने के लिए। फिर ऑनर जो थे वो जानने वाले थे, उनसे हम लोगों ने बात किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने कहा यार अपने बच्चे हैं इनको करने दो, तो हम लोगों ने वहाँ पर ये शूट वगैरह सारा किया था। और उन्होंने ना हमें पूरा एक बैठने का जगह दे दिया था कि यार आप यहाँ पर आराम से अपनी शूट करो, कोई मसला नहीं है, कोई भी अगर रेस्टोरेंट वगैरह में आएगा तो हम लोग उनको दूसरे साइड बिठा लेंगे, आप लोग अपने आराम से शूट करो। तो हम लोग ये पूरी जगह जितनी भी दिख रही है ना, ये पूरी जगह पर हम लोग शूट कर रहे थे। ये भाई साहब का ब्रेकअप हुआ, मैसेज आया और भाई साहब गुस्से में उठ कर जाने लगे। नींद पूरी कर रहा था मैं अपनी। आगे जाया अभी मैंने उसको बताया, इससे बात बात करी है। ये देखिए इसमें जो ये फैट डाले ना, ये फैट पता है क्यों डाले? मैं जैसे ही बाइक पर आकर बैठा था, हमारी बाइक चली और बाइक स्लिप हो गई थी, हम लोग तीनों गिर गए थे, हंस हंस के पेट पे दर्द हो गया था। फिर उसके बाद से कैमरा ऑन था, हम लोग फिर दोबारा बाइक में बैठे, हम लोग गए तो फिर इसने बोला कि मैं फैट डाल दूंगा जिससे पता नहीं चलेगा कि हम लोग गिरे थे, वो क्लिप इसने कट कर दिया था। यह हमारी हुई थी भाई लड़ाई, इसमें भी काफी ज्यादा गलती थी। ये देखिए इसमें गलती ये थी कि पीछे से बच्चे भागते भागते, ये तो इतना नहीं होता यार, आप बाहर शूट करोगे तो बाहर ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं, तो इसमें ये बच्चे भागते भागा रहे थे। और इसमें जो हमारे से गलती हुई ना, वो माइक की गलती हुई है, माइक सही नहीं रखा हुआ था हम लोगों ने। और इसमें और चीज़ था कि हम्माद जो है, हम्माद हंस रहा था इसमें और हाफिज़ हम्माद, ये दोनों हंस रहे थे ये लड़ाई करते हुए। इसमें हंसना नहीं था, इसमें बिल्कुल सीरियस रहना था। और लास्ट में मैं भी हंस चुका था क्योंकि ये लंबे वाले ने मुझे इतना तेज धक्का दिया था मस्ती मजाक में, तो मेरे से ना हंसी निकल गई थी। वो क्लिप हम लोगों ने डिलीट नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा मैं मुस्कुराया था। बाकी तो ये ऐसी है, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये फेजी के पास हम लोग गए थे भाई उधार वगैरह लेने। ओ भाई साहब अब सुट्टा मारेंगे। ये फैजी का राइट हैंड था, ये भाई राइट हैंड बना हुआ था, इससे हम लोगों ने ये उधार वगैरह लिया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और 1 मंथ बाद भाई हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका था। इसको मैंने हाफिज अम्माद को भी भेजा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कहाँ शूट किया, तो यार ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ पर और किसके शॉप पर शूट किया था, तो आप लोग ये देखें, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग बैठ कर सोच रहे हैं यार हमें लॉस क्यों हो गया। ये वारिस भाई साहब हमारे से उधार मांगने के लिए लड़ रहे। मैंने इसको इस मूवी में ये एक चीज बोला था, ये भरम दिखा रहा था, मैंने इसको बोला या पैसा तू अपने घर से दिया था, तो ये लोग सारे हंसने लगे थे, बोल रहे भाई कैसी कैसी बातें कर रहा। मैंने बोला अरे सही है, थोड़ा सा सही है, अच्छा होगा ये सब बोलने में। इसमें ये हुआ था, ये जो वारिस ना वैसी थोड़ा हसमुख टाइप का है, क्योंकि ये कोई भी बात करता ना ये फ़ौरन से हंसने लग जाता है। ये हमारे साथ बातें कर रहा है, ये हंस रहा है, इसको हम लोगों ने इतनी बार कहा भाई सीरियस हो जा सीरियस हो जा, लेकिन ये सीरियस भाई साहब होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखिए कैसे मुस्कुरा रही है, अभी लड़ाई भी होगी तो ये मुस्कुरा रहा होगा, और ये भाई साहब अलग मुस्कुरा रहे थे। ये देखिए ये अब भाई साहब मुस्कुराएंगे, ये देखिए कैसे हंस रही है। छोड़ मेरे को अभी।
ये देखिए ये कैसे हंस रहे आप, इससे तो यही होगा यार, ज्यादातर देखने वाले बोलेंगे कि ये तो पूरे मूवी में हंस रहे हैं, लड़ाई के वक्त भी हंस रहे हैं। मेन चीज लड़ाई कर रहे हो तब तो सीरियस हो जाओ यार, लेकिन ये भाई साहब की मुस्की खत्म ही नहीं हो रही थी। अभी देखना आप बम्माल हंसेगा, ये देखिए हंस रहा है भाई साहब, इसको जब मैंने कस के थप्पड़ दिया था तब ही हंस रहा था। ये देखिए, और आप मुझे देखे फुल सीरियस लड़ाई करने के मूड में था मैं, अभी आगे आगे करता, अभी इसमें कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है। ये भी शॉप का ही है, ये भाई साहब वही शॉप में काम कर रहे हैं हमारे पास आने के लिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जब आप लोग फुल मूवी देखेंगे तभी समझ आएगा, अभी तो मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मुश्किलात आई थी हमें ये सब शूट करने के लिए। इसमें तो हम लोगों ने उधार वगैरह दिया था। अबे एक काम करते हैं हम लोग दोबारा उधार, ये हम लोग गए थे जब हम लोग बिजनेस में लॉस हो गया, हमने उधार दे दिया, तो हम लोग एक होटल में बैठकर चाय वाले उधर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है, तो ये वहाँ की सारी शूट वगैरह थी। और हमें ऐसे जगह मिला ना ये शूट करने के लिए जहाँ पर कोई भी नहीं था। हमने उस भाई को कहा कि यार होटल वाले को हमें शूट करने, तो उसने कहा यार चले जाओ बैठ कर आप लोग कर लो, कोई भी नहीं आएगा। तो हम लोग ने इधर भी काफ़ी ज़्यादा सुकून से सारी चीज़ें शूट वगैरह की थी। इसको करते हैं आगे, ये देखिए ये हम लोग अगले दिन गए थे। आप लोग व्लॉग में भी देखते होंगे कि हम लोग जाते रहते हैं, खास तौर पर मैं जाता रहता हूँ फेरिया रोल, वहाँ पर शूट वगैरह जब हो रहा होता है तो मैं उधर जाते रहता हूँ। तो ये वो चीज़ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार यहाँ पर जाके हम लोग अपनी शूट वगैरह करते हैं। और हम लोग यहाँ पर पता है किस लिए गए थे कि किसी से यूट्यूब के बारे में पूछना है कि यार यूट्यूब कैसे वगैरह कैसे स्टार्ट करें, ताकि हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करें और उसमें कामयाब होकर हम लोग आगे बढ़ जाए। तो इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग इस जगह पर गए थे शूट करने के लिए। देख भाई जो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई थी यार हमें जाने के लिए और शूट वगैरह करने के लिए, क्योंकि जिससे बात किया था वो बंदा नहीं आया था। इसमें मैंने व्लॉग बनाया, आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात वगैरह आई थी हमारे सामने। ये देखिए ये उसी में हुआ था कि वो बंदा नहीं आया था हमारे साथ शूट करने, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर उसी टाइम हम लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट चेंज की और न्यू चीज़ सोचा और न्यू चीज़ किया हम लोगों ने। आप लोग व्लॉग पर जाके देख लेना, इसका मैंने व्लॉग वगैरह भी अपलोड किया था। तो अब इसमें जो था हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली थी, फिर हम लोगों ने इसके शूट वगैरह भी सब चीज़ वहीं पर किया था। ये देखे हमें ये हम आज सारी चीज़ें समझा रहा था यूट्यूब के बारे में, हम लोग शूट स्टार्ट कर देंगे, इसको दिखना नहीं चाहिए। ये देखिए ये हम लोग शूट स्टार्ट कर रहे हैं उधर, तो उस पे जो है ना ये सारी शूट हम लोगों ने की उधर उधर करके हम लोग जब शूट फारिग हुए। और आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कैसे VIP शूट होगा। ये देखिए ये प्रैक्टिस करवा रहा था यार, ऐसा ऐसा करना ऐसा ऐसा करना, दोनों बंदर बने हुए थे भाई का जम चेक करो यार। अब तीनों ऊपर से जम करेंगे, पहले अम्माद फिर हाफिज अम्माद फिर मैं। ये देखे कितना डर के जम कर रहे हैं, ये अम्माद गया था, अब मुझे देखना आप लोग डायरेक्ट। ये देखें इसको बोलते हैं जम। हम लोगों ने ना इस दिन दो शूट रखा था, लास्ट चल रहा था ये, हम लोग ने कहा था कि भाई फेरियल हो जाएंगे उसके बाद डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग CVO। उसका पूरा डिटेल व्लॉग है चैनल पर, आप लोग जाके वो लाजमी देखना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था और कितनी मुश्किलात आई थी शूट करने में। और एक उसमें ख़ास बात भी बताई है, तो आप लोग वो जाके लाजमी देखना। वहाँ से हम लोग ये शूट करने के बाद हम लोग CVO गए थे, CVO नहीं गए थे, इसमें अभी शॉपिंग वगैरह का भी आएगा। ने ये किया था YouTube पे वीडियो अपलोड यार, जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये देखे जिसमें गया था भाई हमारा वायरल। और अब आप लोग एडिटिंग चेक करना भाई, हम लोगों ने YouTube पर कैसी एडिटिंग की थी।
और जल ये देखे, ये हम आज चेक कर रहे हैं, ये देखे 1.3 मिलियन व्यूज और सब्सक्राइबर 100K। ये हम लोगों ने मिलकर एडिटिंग की थी कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, और अम्माद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके साथ मैंने मिलकर ये सारी एडिटिंग की थी कि यार ये सब चीज़ दिखना चाहिए। और ये मेरा ही चैनल है, हम लोगों ने खाली नाम वगैरह चेंज किया था इस पर। ये भाई साहब बैंक गए थे पैसे, हम पैसे निकालने ATM से। जब हम लोग जाएंगे बाहर इसको भाई पैसे देने, इसके कोई बकाया वगैरह रहते थे हमारे मूवी में, वो हम लोगों ने इसको पैसे दिए। वहाँ से अब हम लोग चले जाएंगे भाई शॉपिंग करने। ये हम लोग गए थे भाई शॉपिंग करने, इधर भी काफ़ी मुश्किल से हम लोगों ने शूट किया, शूट करने नहीं दे रहे थे। पता नहीं यार कराची में ऐसा क्यों है, वरना मैं इस्लामाबाद गया, लाहौर गया, पिंडी गया, उधर कुछ भी नहीं। उधर आपको जहाँ शूट करना है, जिस जगह पर शूट करना है, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर शूट कर सकते हो। ना स्नैचिंग का डर है, ना किसी के मना करने का डर है कि ये भाई आके बोलेगा नहीं करो यहाँ पर शूट, किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन पता नहीं भाई कराची में क्यों है, मुझे इस चीज़ का आज तक समझ नहीं आया, और ना ही आगे कुछ समझ आएगा कि ये लोग शूट करने से क्यों मना करते हैं मॉल वगैरह में कि यार यहाँ पर शूट नहीं करो। ये देखे हम लोगों ने ये मॉल पर शूट किया था, काफ़ी मुश्किल से हम लोगों ने शूट किया था। ये पूरा शॉपिंग शूट वगैरह है हमारा। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग गाड़ी लेने, हम लोग आ गए थे भाई शोरूम, शोरूम से गाड़ी खरीदने। डाला इंशाल्लाह एक दिन खरीद लेंगे यार। ये फर्स्ट मूवी था हमारा, फर्स्ट मूवी में हमने किसी और के शोरूम में किया था, किसी और के गाड़ी के साथ। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ हमारी अपनी गाड़ी होगी और हम लोग अपनी गाड़ी में शूट किया करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ये हो गई भाई फुल गाड़ी चेक, ये ड्राइविंग करते हुए बिल्कुल सीधा CVO, और CVO में भाई फुल आयशी। बस ये हमारा DN चल रहा था। ये देखिए अब इस पर आ गया सॉन्ग, वो DN हो चुका था। सॉन्ग में काफी सारी चीज़ें न्यू आई है, हम लोगों ने CVO में ड्राइविंग वगैरह भी की थी, जो CVO में गाड़ी होता है तो उसमें सारी शूट की थी हम लोगों ने। तो आप लोग ये मूवी पे जाकर सॉन्ग सुन लेना, मैं सॉन्ग नहीं डालूंगा क्योंकि अलग से भी अपलोड होगा। मुझे अम्माद ने मना किया यार अगर व्लॉग वगैरह बनाओ तो उसमें सॉन्ग नहीं सुनाना किसी को, तो मैं सॉन्ग नहीं दिखाऊँगा आप लोगों को, तो मैं आवाज़ को बिल्कुल कर देता हूँ मट, और इसके जो थोड़ा सा शूट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है भाई सच में कोई किसी इंडस्ट्री में मूवी वगैरह एडिट वगैरह किया भाई। ये देखिए इसमें ये सारी चीज़ें थी, ये देखिए ये गाड़ी वगैरह की सारी चीज़ें थी। और इंशाल्लाह जैसे ही सॉन्ग रिलीज़ होगा मैं आप लोगों को व्लॉग में बता दूंगा। तो इसी व्लॉग में मुझे आप लोगों को यही बताना था कि हमारी मूवी अपलोड हो चुकी है, और कुछ रिएक्शन वीडियो था जो मैंने दिया आप लोगों को। आई होप ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोग जाके फुल मूवी देखना, अगर कोई गलती आए तो कमेंट्स वगैरह करना या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, लिंक मौजूद है, अम्माद का भी लिंक मौजूद है, सारे जितने भी टीम है उन सब का लिंक मौजूद है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।